होटल से बाहर निकलते ही पेट्रोल पंप है, ऑयल यहीं से फिल करा लेते हैं। मोस्टली रेड पे हमारी नीडल आई गई है, पेट्रोल डला के आगे बढ़ते हैं। हाथ में काफ़ी ज़्यादा पेन है, मैं मोड़ नहीं पा रही हूँ हाथों को। इस वाले हाथ में ज़्यादा दिक्कत है एक्सीलेटर देने की वजह से, यही हाथ मोमेंट नहीं कर पा रहा है। दोनों बाइकों के टैंक फुल हुए हैं, तो अब बस बस फुल मत करना ज़्यादा ना। हाँ 1741 1740 रुपये में दोनों टैंक फुल हो गए बाइक के। चलिए टैंक भी फुल हो गए हैं, अब देखते हैं कहाँ तक निकला जाता है। धूप भी निकल गई है अब, यहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी सुबह से। निकल रहे हैं अब हम अपने होटल, तो हमने छोड़ दिया, चेकआउट कर दिया वहाँ से। वैसे तो मॉर्निंग में ही कर दिया था, लेकिन हम लेट इसलिए हो गए, हम मार्केट में कुछ सामान लेने लग गए थे, हमारा कैंपिंग का प्रोग्राम है, अगर बारिश ना मिली। क्या व्यू है, ये इस व्यू को कैप्चर करने के लिए मैंने अपने कैमरे ऑन करे हैं कि मैं आपको दिखाऊं ब्यूटी यहाँ की। ओए ब्यूटी के साथ छींटे बारिश। चलिए निकलते हैं, काफी ज्यादा बारिश हो रही है पहाड़ों पे, बहुत पानी हो रखा है इस टाइम। काफी अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छा, मतलब धूप निकल चुकी है, लेकिन जितनी रोड्स हैं सब वेट हैं, तो मुझे वेट में चलाने का, वेट रोड पे चलाने का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन देखते हैं, सारे एक्सपीरियंस गेन करके जाऊंगी सब, देखते हैं। गिरते पड़ते ले तो कर ही जाएंगे, जितना जल्दी हो सके हम अटल टनल को कवर करना चाह रहे हैं ताकि हम अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचे। लगता है अब स्टार्टिंग हो गई है हमारी चढ़ाई की। काफ़ी हो गई है स्टार्टिंग, अब लग रहा है काफ़ी अच्छा व्यू, वैली बहुत प्यारी है ये, कहाँ ऊपर सारे में बहुत ठंडा है, और ये बिल्कुल जिगजैग बनी हुई रोड है, इस पर तो भगा भी नहीं सकते हैं। मेरे हाथ में बहुत पेन है। क्या व्यू है, काफी हाइट गेन कर ली है, कम से कम ये मेरा तीसरा चक्कर था जो एकदम से हाइट पे ऊपर जा रहा है। ओ ओ कितनी रफ ड्राइविंग कर रहा था वो। अटल टनल पहुंच गए हैं, यहाँ इन्होंने पूछा कि आपने पेट्रोल तो कैरी नहीं किया है, ये इसके अंदर शायद पेट्रोल अलग से कैरी करके ले जाना अलाउड नहीं है। हम इसके फर्स्ट पॉइंट पर रुक के कुछ फ़ोटो वीडियोस लेना चाह रहे थे, पर इन्होंने बोला कि अलाउ नहीं है, वीडियो तो हम बना ही सकते हैं, कैमरा जो लगा है माउंट उसमें, कितनी सुंदर बनी हुई है ये, बहुत ही अच्छी टनल है, बहुत ही अच्छी। अब भी इसमें काम चल रहा है, वर्किंग पॉइंट पूरा अभी, मुझे लगता है ये अभी भी इनकम्प्लीट है, ये कुछ इसमें बना रहे हैं शायद पानी को निकलने के लिए। बहुत ही सुंदर,
चलिए इस बहाने से ये तो रहा कि मैंने भी अपने जीवन में ये टनल देख ली जो काफी फेमस हुई है राइडर्स के बीच में, तो मैंने भी ये टनल देख ही ली आज फाइनली। ये है वो टनल जिसे देखने के लिए जब स्टार्टिंग में ये बनी बनी थी काफी राइडर्स आए थे, काफी फेमस यूट्यूबर्स भी आए थे इसे देखने के लिए। यहाँ से निकल कर कुछ फोटोज और वीडियो लेते हैं। काफी अच्छी टनल है, बहुत ही सुंदर। जो अभी पीछे एक टनल हमने पहले क्रॉस की थी उसमें लाइटें नहीं लगी हुई थी, वो लाइटें तो थी बट एकदम क्लीन नहीं थी, ऐसे साइडों से जैसे इन्होंने पूरा सीमेंटेड बना रखा है साइडों से। बहुत ही अच्छी बनी हुई है, स्पीड लिमिट 60, थोड़ा सा जल्दी निकाल लेता है। निकल गए इस टनल से बाहर, काफी लंबी टनल है। अब यहाँ पे रुक के हम थोड़ी फोटो वोटो शूट करेंगे। यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह भी दी हुई है इन्होंने। हल्की हल्की बारिश हो रही है। हम यहाँ पहुँच गए हैं अटल टनल जो कि 9.02 किलोमीटर की है। काफ़ी सही लगा, कुछ पिक्चर्स लेकर अपनी चल रहे हैं अब यहाँ से, और काफ़ी हल्की हल्की हो रही है। और चलिए जल्दी से फ़ोटो वोटो कैप्चर करा के चलते हैं। ये 9.02 किलोमीटर लंबी है जो हमने अभी तय की है। अटल टनल से निकलते ही यहाँ पे फिर टोल के लिए रोक लिया है, और यहाँ पे एक बाइक का 50 रुपीज़ है, लेकिन मनाली से पहले एक बाइक का 100 रुपीज़ था, यहाँ पे 50 रुपीज़। अब ठंड लगनी शुरू हो चुकी है, हाथ मेरे जम रहे हैं। अभी तो ग्लव्स में देखो कहाँ तक पहुँचने ही नहीं ग्लव्स में, फिर मैं दूसरे ग्लव्स भी लेकर आई हूँ। वहाँ कहीं कहीं हमें स्नो देखने को मिल गई है। काफ़ी बेकार रोड है, यहाँ से धीरे धीरे निकालूंगी। एक ही स्पीड में हैंडल संभालते हुए पानी, तुषार भाई पैर नहीं टेकने, पैर नहीं टेकने, पैर नहीं टेकने। नो 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 नो। चलो चलो चलो, काफी गंदा मड, ओ भगवान, लगता है लेह की शुरुआत हो गई है। मुझे यहाँ नहीं, सारी रोड डैमेज है। बहुत ही धीरे धीरे निकालना पड़ रहा है। भगवान, मेरा फर्स्ट 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 एक्सपीरियंस है। निकल गया, बिल्कुल ख़राब हो रखा है, पानी आ गया था काफ़ी, बड़ी मुश्किल से निकाला है बाइक को मैंने। मेरा तो ये फर्स्ट ही एक्सपीरियंस है जो इस तरीके से मैंने बाइक को निकाली है। वहाँ ट्रक आ गया था तो तुषार भाई ने जो है एकदम से पैर रख लिए थे नीचे, तो मुझे भी एक पैर नीचे रखना पड़ गया। मन तो था कि कहीं गिर ना जाऊँ, गिर जाऊँगी तो सारे बैग्स वगैरह गंदे हो जाएंगे, और अभी तो स्टार्टिंग ही है, पर पहले स्टार्टिंग में ये सब होने लग गया मेरे साथ, तो मैं आगे तक कैसे कवर करूँगी। बहुत अच्छा व्यू है, व्यू के साथ लेकिन रिस्क भी बहुत है। मुझे अपनी हिमालयन पे बहुत भरोसा है, ये भरोसा नहीं तोड़ेगी अब, तारीफ ज़्यादा नहीं करनी। पहले ठीक ठाक मैं ज़रा ले तक पहुँच जाऊँ, फिर घर पहुँच जाऊँ ले के बाद, फिर इसकी तारीफ बनती है। होम स्टे का क्या सिस्टम है? पर बेड आपने सर्च कैसे किया होम स्टे? ये
ये रास्ते में पार्टी लगी रहती है ना, जैसे ये दिस इज द रेस्टोरेंट अच्छा है, मेनी प्लेसेस दे हैव फुल पेस्टेड बोर्ड्स होम स्टे जहाँ पे देख घुस जाने का। हाँ इतनी दूर से इस बाइक से आप था ना, यंग था मैं तभी से मेरी इच्छा थी इस एरिया में बाइक से घूमने का। अब इस उम्र में 56 चल रहा है, अगले महीने 57 चालू हो जाए ना, ओए रिटायरमेंट का टाइम आ गया। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ अच्छा प्रोफेशन से, और क्या बोलते हैं इसको, किसान एंसेस्ट्री से, 40 एकड़ खेती है घर में। ओहो भाई नहीं तो मैं अकेले खींचता हूँ अच्छा। इस समय फुर्सत थी, इधर आना भी था, दूसरे मैंने क्लब सही है जो बाइक है उससे करके दिखाओ। अब हमने इतना बजट लगा तो लिया है पर हाथ नहीं चल रहे। वजन नहीं, मेरे भी ये एक है और दो मैंने अपने वो ताड़पत्री के तिरपाल के थैली रहती है वो दो थैली ले लिए, इधर बांध देता हूँ एक उधर बांध देता हूँ, वो ज्यादा हो गया एक्चुअली, एक ही होना चाहिए एक ये और एक वो, तो कपड़े कुछ ज्यादा ले आया मैं अच्छा, ड्रेस चार पैंट और अब मैंने तो बहुत काफी, मैंने पहले कभी 500 किलोमीटर चलाया नहीं था तो मेरा ये हाथ आप पेन कर रहा है बहुत ज्यादा, सब रिंग वगैरह सब निकाल दिए अब तो किसी तरीके से ले जा रही हूँ। हरिद्वार से है उत्तराखंड, उसको उसका वजन आया था ना गाड़ी शोल्डर पे दिखते होंगे। उत्तराखंड में तो मैंने बहुत जगह चला दी अपनी बाइक ना, बस ये यहाँ 500 किलोमीटर क्या हुआ कि 200-250 रुपये आने के बाद ना, या तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा हैंडल थोड़ा सा बैंड है जिस वजह से भी मेरा हाथ दुख रहा है। हाँ अब दिखाऊंगी, बहुत अच्छा लगा कि आप इस बाइक से कहाँ से बताया था आपने, कहाँ से नागपुर से अच्छा, तो आप क्या सिर्फ घूमने ही आए, घूमने का पर्पस मुझे पहाड़ों में घूमने का वैसे मेरा जॉब भी घूमने का ही है। हाँ। पर मैं मेरे शहर से 50 किलोमीटर के मेरे जो कवरिंग एरिया है मैं 3 डिस्ट्रिक्ट करता हूँ, अकोला बुल्ढाणा और वाशी अच्छा, तो मैं जो 50 किलोमीटर के 3 इंटीरियर है सिर्फ वही लेके जाता हूँ, अदरवाइज हम लोग ग्रुप में अब बहुत लोगों के पास में कार है ना, उसके भी कार में बैठ जाने का उसका हिसाब दे देने का अच्छा अच्छा, शेयरिंग टैक्सी में या शेयरिंग कार में जाते हैं, ये मेरे बचपन से इच्छा थी। इसके पहले दो बार इस एरिया में आ चुका हूँ, रोहतांग तक आए हैं अच्छा, इसी बाइक से नहीं तो एक बार घूमने को आ गया था सीधा, मैं जब बॉम्बे में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। हाँ ये बात है 94 या 94 या 95 मेरा बर्थ ही उस टाइम का था। और सब शादी हुई 97 में, तो हाँ। को लेके मैं 28 दिन था इस एरिया अच्छा, चंबा गया था, डलहौजी, उसके बाद में धर्मशाला, मनाली और शिमला, 5 जगह स्टे किया था, 2 दिन अच्छा, काफी अच्छा लगा। हम इतना बजट हिला के चले, ये लेके 2 साल जूनी है अच्छा, ये अपना ये लॉकडाउन वगैरह था ना उस समय खरीदी थी, सही किया। ये मेरा अब कितना लड़का है अच्छा, इंजीनियर है तो उधर नौकरी करता है बॉम्बे अच्छा, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट अच्छा, चलिए। हवा कम थी ना, बस हवा कम थी, थी हवा कम, आगे भी चेक कर लेना एक बार। नींद आने लग गई, पीछे ही रुकना था सीसू में, चलो लियो तो हो ही गई, अब काफी आवाज कर रही थी, काफ़ी देख रहे होंगे आप इन पहाड़ों के बिल्कुल पास ही आ गए हैं, जो काफ़ी दूर से हमें हाइटेड लग रहे थे, यहाँ के पहाड़ बिल्कुल स्ट्रेट एकदम खड़े हुए हैं, हमारे उत्तराखंड में इतने स्ट्रेट पहाड़ तो नहीं है पर यहाँ के कुछ ज़्यादा हाइट है यहाँ के पहाड़ों पे। अभी क्या हुआ था जो हाँ हमने हवा फिल करवाई थी इस अपने टायरों में, मैंने हिमालयन में वहाँ पे हवा फिल होती 30 थी पीछे के टायर में, जैसी ही फिल हुई हवा तो चैन जो है कट आवाज़ करने लग गई थी, तो रुक के फिर हमने लूप किया, इसे ज़्यादा ही तेज़ आवाज़ आने लग गई थी, लेकिन लूप होने के बाद अब सही हो गया है, अब देखते हैं कहाँ तक का सफ़र क्लियर करें हम, और रुकना ही पड़ेगा, ठंड बढ़ती जा रही है, वैसे ही इतनी ठंड तो नॉर्मल है, इतना तो हम चला ही लेंगे, अभी देखो कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं सच में, और यहाँ पे पत्थर भी गिरे हुए हैं।
यहाँ पे एक हमें मिलियांग होम स्टे मिला है रॉयल इनफील्ड के रूम पे, जहाँ मैंने अभी चैन दिखाई थी। उन्होंने सजेस्ट किया कि आप रुक जाओ और नाइट में मत चलाओ, तो हम अभी यहाँ रुक गए हैं। होम स्टे है ये है विलेज खान सकार, जहाँ हमने डिनर किया है। वहाँ पे ये प्लेट में आपको एक ड्रैगन दिख रहा होगा, ये ड्रैगन हर प्लेट में है। और जहाँ हमने अभी होम स्टे लिया है, जगह कौन सी है वो? खंगसर विलेज। वहाँ जहाँ होम स्टे लिया है, वहाँ की वॉल पे भी सेम ड्रैगन बना है। हाँ, ये ड्रैगन क्या है, यहाँ के काफ़ी लोगों ने अपनी वॉल पे या पेंटिंग्स में ये ड्रैगन बहुत जगह ले रखा है। क्या है, हाँ देखते हैं, चलो पूछते हैं जहाँ हमने होम स्टे लिया है, उनसे पूछ के देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है।